क्रिएटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके सामने यासीन स्टूडियो। चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए और बीजेपी जो है एक बहुमत से जो है विजयी हुई है, एक बड़ी पार्टी उभर के जो है बीजेपी आई है। ये जो नतीजे थे वो लगभग जो 2014 के नतीजे थे लगभग वही नतीजे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि रिपीटेशन है। उम्मीदें काफ़ी लगाई जा रही थी और पार्टियों से, अगर हम यूपी की बात करें तो महागठबंधन से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि महागठबंधन जो है वो इस बार जो है वो कड़ी टक्कर देगी, कड़ी चुनौती देगी नरेंद्र मोदी को और 40 से 50 सीटें लाएगी। लेकिन इसके बरक्स बिल्कुल उलट परिणाम आए हैं। ये जनता के फैसले हैं। राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी हार मानी। आज हम बात कर रहे हैं नरोवा की, भोजपुरी सुपरस्टार नरोवा की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कंपेनिंग में नरोवा ने दावा किया था, नरोवा का एक बयान था कि मैं भगवान के लिखे, ईश्वर के लिखे लेख को भी मिटा सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। TV9 के एक रिपोर्टर से उनका इंटरव्यू हो रहा था, इस उसमें उन्होंने ये बयान दिया था। काफ़ी टोल ये इलेक्शन से पहले भी हुए थे क्योंकि ये पहली बार इनको टिकट मिला है। सुपरस्टार्स हैं, ये भोजपुरी सुपरस्टार हैं, जबकि और भी बहुत से रवि किशन हो, राज बब्बर हो, उर्मिला हो, जया प्रदा हो, ये भी लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको पहली बार टिकट मिल रहा हो। लेकिन इनको जो था, निरोवा को पहली बार टिकट मिला था, ऐसा नहीं था कि 9-10 बार के ये विजयी हों तो इतना कॉन्फिडेंस के अंदर हो गए दावा कर रहे हों। तो बरहाल इन्होंने ये दावा किया था कि मैं जो हूँ वो ईश्वर कर गए लेख को भी मिटा सकता हूँ और मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि आजमगढ़ से ये हार गए। और हार भी कोई ऐसी नहीं हुई है, हार जो हुई है 2.5 लाख वोटों से हार हुई है। 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इनको पटकनी दी है। अखिलेश यादव जो हैं वो आजमगढ़ से जीते हैं। अब निरहुआ जो है वो ट्रोल किया जा रहा है उस बयान के लिए। ये ट्रोल उस बयान के लिए इलेक्शन कंपेनिंग में भी हुए थे और जब इलेक्शन चल रहे थे 19 मई तक इलेक्शन चले हैं, जब तक भी बिहार के इलेक्शन और आसपास के यूपी के इलेक्शन, मतलब एक इलेक्शन का जो सिलसिला था वो 19 मई तक चला है, तो जब तक भी ये ट्रोल हुए हैं। लेकिन ये अब जबकि ये हार चुके हैं तो अब देखना दिलचस्प है कि जनता इनको और कितना ट्रोल करती है या कितना परेशान करती है। क्या ये अपने उन अल्फाजों को निरहुआ वापस लेंगे जो इन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मिटा सकता हूँ। बहरहाल ये राजनीति है, इस पर बयान दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान पहली बार चुनाव लड़े और वो इतना बड़ा बयान दे, शायद इतना बड़ा बयान तो PM मोदी भी नहीं देते। खैर, 2019 के इस लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने इसका जवाब जो है वो निरहुआ को दे दिया। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी और न्यूज़, किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।